इधर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करनाल में बनने वाले भारत माला के रिंग रोड प्रोजेक्ट की आधारशिला रखने वाले हैं। शिलान्यास के कार्यक्रम का आयोजन कुटेल मोड़ के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग के नजदीक किया जाएगा। इसे लेकर करनाल के उपायुक्त अनीश कुमार यादव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के बनने से जिले में विकास का एक नया आयाम स्थापित होगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यूनियन मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी जी, वो कल करनाल में आएंगे और यहाँ पे जो करनाल रिंग रोड नाम से जिस प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन लिंग सेरेमनी, जो प्रोजेक्ट की टोटल जो लागत है वो 1700 करोड़ है, इसमें से 800 करोड़ के आसपास जो हमारी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट थी और 900 करोड़ है जिसमें वो जो रोड्स है उसकी कंस्ट्रक्शन होगी और जो बाईपास है वो 6 लेन बनेगा। तो ये हमारा जो कुटेल गाँव पड़ता है NH-44 पे, यहाँ से लेके हमारा जो शामगढ़ गांव पड़ता है नॉर्दर्न साइड पे, तो उसको ये कनेक्ट करेगा। और ये जो दिल्ली से चंडीगढ़ वाली जो ट्रैफिक मूवमेंट थी, वहाँ के जो भी पैसेंजर्स होंगे, कम्यूट करने वाले जो लोग होंगे फ्यूचर में, उनको बड़ा ही इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बाद में बहुत लाभ मिलेगा। तो ग्राफिक्स के जरिए भी बता देते क्या कुछ सौगात जो है गडकरी देंगे। नितिन गडकरी करीब 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण करेंगे और सुबह 11 बजे दिल्ली से पानीपत तक 8 लेन नेशनल हाईवे पर 11 फ्लाईओवरों का लोकार्पण उनके द्वारा होना है। परियोजनाओं में सीएम सिटी करनाल में बनने वाली रिंग रोड भी शामिल की गई है। तो गडकरी आएंगे, सौगात हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बता दें कि 900 करोड़ की लागत से परियोजना को बनाया गया है। 3:30 बजे करनाल जिले के गाँव कुटैल में पहुंचेंगे नितिन गडकरी। ग्रीनफील्ड 6 लेन रिंग रोड परियोजना के निर्माण कार्य का शिलान्यास करेंगे। कुल 35 किलोमीटर लंबी है और करीब 1700 करोड़ की लागत इस परियोजना में आएगी। शाम 5:30 बजे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अंबाला भी जाएंगे और अंबाला को सौगात देंगे।